हेलो स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड लेक्चर है आर्चेस पे, जिसमें हम एनालिसिस ऑफ पैराबोलिक आर्च देख रहे हैं, राइट? ये आपकी पैराबोलिक आर्च है, थ्री हिंज आर्च, ए बी और सी पर हिंज है। जो आपका राइस है वो एच है, किसी एक्स डिस्टेंस पर जो हाइट है वो वाई है, और आपकी जो लोडिंग है वो आपको दे रखी डब्ल्यू पर मीटर थ्रू आउट द लेंथ, राइट? आपको रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, राइट? तो अब हम देखते हैं हमें कितनी रिएक्शन मिलेगी। मुझे यहाँ दो रिएक्शन मिलेगी, आर ए एंड हॉरिजेंटल रिएक्शन होगी एच ए। यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन होगी आर बी, और यहाँ हॉरिजेंटल रिएक्शन होगी एच बी, राइट? अब देखिए, हॉरिजेंटल रिएक्शन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब भी लोडिंग होगी ये स्ट्रेट होने की कोशिश करेंगी, तो आपका जो हॉरिजेंटल रिएक्शन होगा वो रिएक्ट करेगा कि ताकि ये फ्लैट ना हो। तो हॉरिजेंटल रिएक्शन इक्वली उतनी ही इम्पॉर्टेंट है पैराबोलिक आर्च में, ठीक है, राइट? अब आप देखिए, एच ए शुड बी इक्वल टू एच बी, डेट मीन्स जो रिएक्शन हॉरिजेंटल ए पे आ रही है और जो हॉरिजेंटल रिएक्शन बी पे आ रही है, डेट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। बिकॉज अगर ये दोनों सेम नहीं होगी तो आपका पैराबोलिक शेप मेंटेन नहीं रहेगा, राइट? तो हमारी जो एच है और एच बी है वो दोनों बिल्कुल सेम होगी, राइट? तो बेसिकली मेरे पास कितने अननोन हैं? तीन अननोन हैं, आर ए, आर बी एंड एच। एच ए और एच बी बोथ आर सेम, तो मैं एच ए निकालूँ या एच बी निकालूँ, दोनों की वैल्यू सेम होगी, बस नेचर उनका अपोजिट होगा, ठीक है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें निकालनी है आर ए और आर बी। तो हमारी इक्वेशन होगी सबसे पहले आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड। टोटल कितना लोड है? डब्ल्यू इंटू एल, लेंथ आपकी एल है, डब्ल्यू इंटू एल, राइट? अब हमें निकालना है आर ए, तो हम ले रहे हैं समीशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो। देखिए, अभी तक मैं समीशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो लेते आ रही हूँ। अभी मैंने समीशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो लिया है ताकि आप दोनों साइड से मोमेंट निकालना सीख सके, राइट? अगर मैं बात करूँ समीशन ऑफ मोमेंट एट, मैंने ए ज़ीरो लिया है, तो ये जो मेरा आर बी होगा, आर बी कैसा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? और इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? एल। तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेगेटिव आर बी मल्टीप्लाइड बाय एल, राइट? सेकेंड मेरी लोडिंग है ये, ठीक है? तो टोटल लोड मेरा डब्ल्यू इंटू एल करूँगी, तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा, जो कि इसकी सी जी पे लगेगा, और सी जी से डिस्टेंस है एल बाय टू, ठीक है? अब देखिए, ये लोड एल बाय टू अगर मैं ए की तरफ लेके जाऊंगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए पॉजिटिव डब्ल्यू इंटू एल, जो कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एल बाय टू, राइट? यहाँ से आपकी आर बी की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं इस बार आर बी को इधर ले जाऊँ इक्वल टू के, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, आर बी मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू मल्टीप्लाइड बाय एल। यहाँ एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा आपका डब्ल्यू एल बाय टू, राइट? तो यहाँ पर आपकी आर बी की वैल्यू आ गई डब्ल्यू एल बाय टू, वही आपकी आर ए की वैल्यू भी आएगी डब्ल्यू एल बाय टू, राइट? हमने आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें हॉरिजेंटल फोर्स एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन जनरेट करेंगे समीशन ऑफ मोमेंट एट सी, डेट इज एट क्राउन इज इक्वल टू जीरो। अब हमें सी के अबाउट मोमेंट लेना है, राइट? अगर हम सी के अबाउट मोमेंट लेंगे, राइट, तो सबसे पहले मेरी रिएक्शन क्या होगी? आर ए, आर ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी तक का कितना है? एल बाय टू। और ये सी तक कैसे जाएगी, राइट? सी तक ये जाएगी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो हमारा सबसे पहले होगा आर ए मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, आर ए से सी की डिस्टेंस कितनी है एल बाय टू, ये डिस्टेंस कितनी है एल बाय टू, ठीक है, आर ए मल्टीप्लाइड बाय एल बाय टू। सेकेंड आपकी रिएक्शन कितनी है एच, एच एच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है स्मॉल एच, ठीक, तो जब हम मोमेंट लेंगे तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एच ए मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एच जो कि होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस एच ए मल्टीप्लाइड बाय एच इज इक्वल टू जीरो। मुझे किस चीज़ की वैल्यू चाहिए एच ए की, सॉरी, अब मैंने यहाँ पे अपनी लोडिंग को इग्नोर कर दिया है, आपको लोडिंग को भी कंसिडर करना है, तो अगर मैं सी के अबाउट मोमेंट लूँ तो ये हाफ लोडिंग अगर मैं लेती हूँ क्योंकि मैं सी के अबाउट ले रही हूँ, आप अगर चाहे तो रिएक्शन बी से भी निकल सकते हैं तब भी आपको ये हाफ ही एनालाइज करना है क्योंकि सी जिसके अबाउट मैं मोमेंट ले रही हूँ वो सेंटर में, आप एच के अबाउट लोगे तो भी आपको हाफ एनालाइज करना है, राइट, तो ये हाफ जो ए और सी के बीच की डिस्टेंस है यहाँ पर लोडिंग है डब्ल्यू, टोटल डिस्टेंस है एल बाय टू, ठीक है, एल बाय टू डब्ल्यू इंटू एल बाय टू करूँगी तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा और सी के अबाउट लूँगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, राइट, तो यहाँ पर होगा आपका माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाय टू, इट विल कन्वर्ट यू इंटू पॉइंट लोड और जो इसकी डिस्टेंस होगी हाफ वो होगी एल बाय फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आपके पास आर ए की वैल्यू है जो आप यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, आप यहाँ पे आर ए की वैल्यू पुट कर देंगे एल बाय टू माइनस एच ए इंटू एच माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको एच ए की वैल्यू चाहिए, राइट, तो ये आपका एच ए प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट, यहाँ से आप एच ए की वैल्यू निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय एच, यहाँ से आपकी एच ए की वैल्यू निकलेगी डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एच, ठीक है। हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू आ गई और आर ए और आर बी निकाल दी जिसमें ये तीन अननोन थे, एच ए शुड बी इक्वल टू एच बी, तो यहाँ जो एच बी होगा एच बी भी सेम होगा बट अपोजिट इन नेचर होगा। थैंक यू।